वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी किचन में, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, बस अभी जस्ट मैं फ्रेश होकर के किचन में आई हूँ। और सबसे पहले मैं आटा गूंद रही हूँ क्योंकि नाश्ते में आज बहुत ज्यादा लेट हो गया है। पता नहीं आज लेट कैसे हो गया, बट हाँ चला रहे। मोटर चलाने के लिए बोल रहे थे क्योंकि वो बाथरूम में है, तो मैं मोटर चला के आई हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो आज काफी ज्यादा लेट हो गया, अभी 11 बज रहा है, आज दिन है मंडे, और मंडे को पता है कि मुझे मंदिर जाना होता है शिलानाथ, तो मुझे मंदिर भी जाना है और इतना लेट हो चुका है। 12 बजे मंदिर बंद होने का, एक्चुअली हम लोग 11:45 में ही डेली पहुंचते हैं और मंदिर लेट से ही बंद होता है। तो हम लोग बस अभी जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ, कान्हा को खिला दूंगी और आटा सान के रख देती हूँ और अच्छा, और उसके बाद मंदिर जाएंगे। और एक और गुड न्यूज़ है, वो ये कि मम्मी का टिकट फिर से, कल का तो आज का तो कैंसिल हो गया था, तो फिर जा करके सेकेंड एसी का लेकर के आए हैं। आज 14 वेटिंग है, लेकिन कंफर्म अगर हो गया तो फिर कल का टिकट है, अगर कंफर्म हो गया तो कल चली जाएगी। तो ये है दूसरी टिकट, वो टिकट तो, वो ट्रेन तो कैंसिल हो गई, तो सेम डे जाकर के दूसरी टिकट ये निकलवाई है नेक्स्ट डे की, और इसमें 14 वेटिंग आपको दिख रहा होगा, इसमें 14 वेटिंग है। और ये पता नहीं कंफर्म होता है या नहीं होता है, सेम ट्रेन की है, उसी ट्रेन की है, और पता नहीं ये कब कन्फर्म, अगर रात तक कंफर्म हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि वेटिंग में जाना मुश्किल होता है। तो आई होप कि कंफर्म हो जाए, बट क्या होता है पता नहीं, देखना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर जाना मुश्किल है, फिर अब दूसरी टिकट फिर निकलवानी पड़ेगी। तो चलिए लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पैकिंग वगैरह तो हो ही रखी है, वो सारा कुछ करना नहीं है, पैकिंग हो रखी है तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कल सुबह की, कल वही उसी ट्रेन की है, सेम ट्रेन की है, शहीद की ही है, बट कल आई होप कैंसिल ना हो, नहीं तो और ज्यादा बुरा फील होगा। तो जब मैंने आटा गूंद लिया तो कान्हा को मैं सोची कि पहले इसको खिला देती हूँ, क्योंकि मैं मंदिर चले जाऊँगी तो वहाँ फिर 1-1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा, और ये अभी 11 बज रहा है और अब तक सिर्फ ये दूध पी के रह रहा है, दूध ही पिया हुआ है। तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ली हूँ, गाय की रोटी भी निकाली है, तो उसके पूरी में मैं थोड़ा सा नमक और अजवाइन मिला देती हूँ, क्योंकि वो सब्जी वब्जी नहीं खाता है, तो उसके लिए मैं बड़ी सी पूरी बनाती हूँ ताकि वो, उसका पेट भर जाए। और ये गाय की रोटी है, इसमें बस गाय की रोटी चीनी वगैरह डाल के, घी डाल के निकालते हैं, और सर पे दुपट्टा लिए हैं क्योंकि खाली सर नहीं निकाला जाता। तो चलिए अब कान्हा की पूरी बना देते हैं, वो खा लेता है तो संतुष्टि हो जाती है कि हाँ उसका पेट भरा हुआ है, तो मैं निश्चिंत रहती हूँ, तो इसलिए सबसे पहले मैं उसी को खिला रही हूँ। चलिए इसकी इतनी बड़ी सी पूरी बन गई है। हेलो, देख के पता चल रहा होगा ना मैं कहाँ हूँ। यस, आपने सही गेस किया, मैं मंदिर आ चुकी हूँ, मैं दिखा देती हूँ एक बार। और आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, तो आज कोई भी पंडित यहाँ पे नहीं है, पंडित जी कोई भी नहीं है, आज हम लोगों को खुद से पूजा करना पड़ेगा, आज कोई भी नहीं है। और आज मैंने मम्मी की साड़ी पहनी है, ये वाली, तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, एक बार दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेन मंदिर है और चारों साइड में छोटे छोटे मंदिर हैं, सारे भगवान के मंदिर हैं एक्चुअली, और वहाँ पर वो जो दिख रहा होगा झोपड़ी जैसा, वो बैठने के लिए बना हुआ है। पूजा वगैरह अच्छे से हो गई, मतलब मंदिर बिल्कुल खाली था, आप लोगों ने देखा ही, और अच्छे से पूजा हो गई, पंडित जी भी नहीं थे, खुद से करना पड़ा। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, दोपहर के 1 बज रहे हैं, 1:30 के बीच का टाइम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। तो चलिए घर पहुंच के मिलते हैं आपसे।
देखिए कहीं जाने के टाइम में कैसे बिजी हो जाते हैं, कहीं भी जाना होगा इसी तरह से मोबाइल पकड़ेंगे और बिजी हो जाएंगे। इनको 10 बार बोलना पड़ता है चलने के। चलिए हेलो। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं। मैंने ये वाला कुर्ता पहना है, उस दिन जो मैंने मॉल से लिया था आज मैंने फर्स्ट टाइम ये पहना है, आज ही मैंने पहना है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऊपर रेड की ये वाली लाइनिंग है पूरे में। तो मैंने रेड दुपट्टा और रेड लेगिंग्स इसके साथ वेयर किया है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं अभी जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, मधुबनी या दरभंगा, क्योंकि एक भैया और भाभी हैं, उनका मैरिज एनिवर्सरी था 29th को, तो वो आज हम लोग को ट्रीट दे रहे हैं, तो इसलिए वो हम लोगों को ट्रीट देने के लिए लेकर के जा रहे हैं। तो अभी जा रही हूँ मैं दरभंगा और मैं कान्हा को छोड़ करके जा रही हूँ, क्योंकि अभी अभी जस्ट सोया है और वो फिर अगर उठ जाएगा तो बाइक पे सोता रहेगा, इसलिए मैं उसे अभी छोड़ करके जा रही हूँ। हम दोनों जा रहे हैं बस। तो उन दोनों के मैरिज एनिवर्सरी है और हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं एक्चुअली। मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे कान्हा को छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जस्ट अभी अभी सोया है और अगर उसे उठा दूंगी ना तो रास्ते पर सोता जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और खाता और पीता तो ऐसे भी कुछ नहीं है, तो ले जा करके उतनी मतलब लॉन्ग जर्नी में ले जा कर कोई फ़ायदा नहीं है इसे, ये मम्मी के पास रह जाएगा। चलिए तो फिर चलते हैं। कैसा लग रहा है बताना मुझे, ये मेरा है, मैं कभी लगाती नहीं हूँ, कभी कभी मैं लगाती हूँ बट बताना। हम लोग जब घर से निकले तो आइसक्रीम दिख गया रास्ते में और हम लोग वहाँ पे रुक गए आइसक्रीम खाने के लिए, तो मैंने भी खाया, इन्होंने भी खाया, हम दोनों ने आइसक्रीम खाया और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। तो चलिए रास्ते को इंजॉय करते हैं। थे दरभंगा जाने के लिए लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी एक्चुअली हम लोगों की बाइक है लेकिन बाइक का पेपर वगैरह नहीं है, तो इसलिए हम लोग अपनी बाइक लेकर के नहीं जा सकते थे। तो इसलिए हम लोग नज़दीक में ही गए, पास में ही गए थे खजौली, और वहाँ से नाश्ता वगैरह करके वापस आ गए। लेकिन सूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि अंधेरा हो गया था और अंधेरा में बिल्कुल भी कुछ नहीं, बिल्कुल ही गंदा सा आता है, तो उससे अच्छा था कि ना करो। और हम लोग अभी 10 बज रहे हैं और 10 बजे हम लोग घर वापस आए हैं
घूमते फिरते 10 बजे मैं वापस आ गई हूँ। तो अब मम्मी लोग खाना खा चुके हैं, हम लोगों को खाना नहीं है, हम लोगों का पेट पूरा टाइट हो रखा है। मैंने आज ये झुमका डाला था क्योंकि दुपट्टे में गोल्डन था ना, इसलिए मैंने सोचा कि ये झुमका दुपट्टे गोल्डन डाल लूँ। तो इसे भी मैं अभी खोलने वाली हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें पहन के आप ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हो। और धूल तो इतनी ज़्यादा बाइक पर, पूछिए मत, पता ही है बालों की हालत क्या हो जाती है और चेहरे की हालत क्या हो जाती है बाइक पे धूल मिट्टी से। तो बस यही था, घूम फिर करके वापस आ गए और मैं जा रही हूँ अब, मतलब फेस को पहले क्लीन करूँगी। अच्छा लग रहा है ना, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये गोल्डन कलर का है, इसे आप कुर्ते के साथ या फिर साड़ी के साथ आप इसे डाल सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है पहना हुआ ये छोटा सा गोल्डन। और ये बहुत दिनों से मेरे पास है और इसका कलर नहीं गया, और ये पटना से मेरी सिस्टर ने खरीदा था मेरे लिए 30 रुपीज़ का, ओनली 30 रुपीज़ का है। और ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे पहना हुआ, मुझे झुमके बहुत ज़्यादा पसंद है, इस तरह के छोटे छोटे झुमके, प्यारे प्यारे जो होते हैं ना, कि वो झुमके मुझे बहुत पसंद है। और ये मैंने लाइट वेट भी है, उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, बिल्कुल ही लाइट वेट है। तो मैंने आपको कुर्ता दिखाई दिया था, ये कुर्ता मैंने मॉल से लिया था, मैंने आपको हाँ दिखाया था मैंने आपको। मैंने आज ये फर्स्ट टाइम डाला और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कपड़ा भी काफ़ी कंफर्टेबल है, आगे से कट है नीचे से, और इस पर रेड कलर का ये सारा लाइनिंग जो है, इसमें ब्लैक दिख रहा है बट ये सारा रेड है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर रेड लेगिंग्स लिया है। मेरे साथ ये होता है जैसे यहाँ पे खुजली होने लगी, आर्टिफिशियल कुछ भी डालो, हाथ में डालो या फिर गले में डालो या फिर कान में डालो, तो मुझे वहाँ पे ना खुजली जैसी होने लगती है और वहाँ पे दाने दाने निकल आते हैं। तो और गर्मी में बहुत ज़्यादा, ठंड में तो फिर भी चल जाता है, गर्मी में बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो मैं जल्दी से नहीं डालती हूँ ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल में, इनफैक्ट हाथ में भी मैं कुछ आर्टिफिशियल, गले में कुछ भी आर्टिफिशियल मैं नहीं लगा सकती, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे खुजली होने लगती है। तो बस ये था, मैं अभी बाल अपने धोऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इतना ज़्यादा उड़ रहा था कि पूछिए मत, बहुत ही ज़्यादा उड़ रहा था और पूरा मतलब बाल गंदा हो चुका है। तो मैं भी अपने बालों में दही लगा लूँगी और उसके बाद मैं अपने हेयर को वॉश कर लूँगी क्योंकि मैंने तेल नहीं लगाया है बालों में। अगर मेरे बाल में तेल लगा होता ना तो मैं ऐसे ही वॉश कर लेती, बट तेल नहीं लगाया है इसलिए मैं दही लगा के वॉश करूँगी। और नींद बहुत देर, थकान बहुत ज़्यादा हो गई एक्चुअली, रास्ता बहुत ज़्यादा, जाने टाइम में तो उतना पता नहीं चला बट आने टाइम में बहुत ज़्यादा गंदा रास्ता था। हम लोगों ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया कि जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा रास्ता था और बैठे बैठे नींद आ गई थी, मतलब कि ऐसा हो गया था। तो चलिए फिर करते हैं रिव्यू। और एक बात और बताऊँ मैं आपको, मम्मी की टिकट मैंने आपको बताई थी ना कि कल की बनी है, कल सुबह की 14 वेटिंग है, बट उसका चार्ट प्रिपेयर्ड हो चुका है और वो कंफर्म नहीं हुआ, 10 पर आकर के अटक गया है, वो कंफर्म नहीं हुआ, तो मम्मी कल भी नहीं जा रही, सो सैड, अब पता नहीं क्या होगा। बहुत बुरा लगता है ऐसे में, बहुत बुरा लगता है, कोई तैयारी नहीं करो तो समझ में आता है, जब सारी चीज़ें कर लो उसके बाद अगर ऐसा होता है ना साथ में, बुरा लगता है। खैर चलो, सारा बेड वगैरह मैं जैसे छोड़ करके गई थी पूरा मैस पड़ा है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कैसे पड़ा है बेड वगैरह, क्योंकि उस टाइम कान्हा सोया हुआ था और वो बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा था, तो सोया हुआ था तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इसे मुझे करना है अभी क्लीन, और किचन का भी सारा काम मुझे करना है अभी फिनिश, तो जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। Thank you.
छोड़ करके गई थी, और पहले जब मैं जा रही थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था नहीं कान्हा को लेके जाना चाहिए, कान्हा को लेके लेके चलते, वो जस्ट सोया था इसलिए छोड़ के गए थे। बट जब क्योंकि जाने टाइम में रास्ता अच्छा था तो हम लोग बहुत अफसोस हो रहा था क्यों छोड़ दिए, लेकर के आना चाहिए था बच्चे को अकेले, छोड़ दिए लेकर के आना चाहिए था। लेकिन जब हम लोग वापस आए ना तो हम लोग थैंक गॉड कान्हा को छोड़ करके आए, अगर आता तो क्या हाल होता, हम लोग तो पूरे फंस चुके थे आता तो क्या हाल होता। तो ऐसा कुछ कंडीशन रहा, आज का जो जर्नी था वो अच्छा नहीं रहा हम लोगों का, बस आई गई वाली बात हो गई कि हाँ जाना है तो चलो, बस वो वाली बात हो गई। तो कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए, ये मोमेंट भी एंजॉय करना चाहिए, तो हम लोग ये मोमेंट एंजॉय करके आ रहे हैं। हंसी आ रही है सोच सोच करके, ऐसा रास्ता था ना कि मतलब थोड़ा सा भी अगर हाथ पैर हिला तो बस नीचे, ऐसा रास्ता था, तो हंसी आ रही। आज मैं थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं कर पाई क्योंकि आने में ही इतना ज़्यादा, मतलब सुबह सुबह तो ये था कि चलो मंडे है, मंडे तो बहुत सारा काम सुबह में कर लिया, बहुत सारा 11 बज ही गए थे, उसके बाद मंदिर चले गए, मंदिर से आने के बाद बस इधर उधर करते रह गए, दोपहर का खाना ये वो दिस रात हो ही जाता है, छोटा मोटा काम तो हो ही जाता है, वो सारा करते करते मतलब कब 4 बज गया पता ही नहीं चला, और खाना सुबह से नहाया नहीं था तो इन्होंने 2:30 बजे के आसपास उसे नहलाया था, तो कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। 4:30 में जब सोने गए तो फिर जाने का वो हो गया कि चलो चलते हैं, तो फिर उधर से चले गए, फिर अभी आए, तो मतलब एक मिनट जो कहते हैं ना लेट ना, वो नहीं हो पाया हम लोगों का, और अभी बिल्कुल ही मतलब लग रहा है कि एक कप चाय बना के पी लो, तो चाय तो अभी मैं पीऊँगी ही क्योंकि सामने मैं पी नहीं थी, मैं चली गई थी तो अभी मैं पीऊँगी। ये टेबल उस रूम में था, मम्मी वाले रूम में, और उसे मैं उठा करके यहाँ ले आई हूँ क्योंकि इस रूम का कूलर मैंने निकाल दिया, हॉल में रखा हुआ है कोने में, आप लोगों ने देखा होगा जो ख़राब हो गया है, तो जब ख़राब हो गया तो फिर रूम में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसे मैंने बाहर निकाल दिया और टेबल में यहाँ पे ले आई। अब थोड़ा खाली खाली हो, बहुत बड़ा कूलर है, मतलब रूम में रहता है तो लगता है कि क्या रखा हुआ है पता नहीं, थोड़ा सा भी स्पेस नहीं बचता है, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। और वो कूलर मुझे कभी पसंद नहीं था, जब से आया था तभी से पसंद नहीं था, इतना बड़ा है कि वो रूम में रखने लायक है ही नहीं, बहुत बड़ा है। तो चलिए काफ़ी टाइम हो गया, मैंने किचन का सारा काम फिनिश कर लिया है, मैंने सोचा कि क्या आप कपड़ा चेंज करना, एक ही बार सारा काम पहले फिनिश कर लीजिए, मैंने किचन का सारा काम फिनिश कर लिया है और अब बस सोने की तैयारी होने वाली है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले वीडियो को एंड कर लेते हैं और उसके बाद कोई और काम करते हैं, अगर जो भी छोटा मोटा काम बचा हुआ है, वैसे काम तो बहुत सारा बचा हुआ है तो वो सारा बाद में कर लूँगी, पहले वीडियो को एंड कर लूँ। और वैसे अभी प्लान ये बन रहा है कि मम्मी का एक और डिस्क लिया जाए, एक दिन का और टिकट निकाल के देखा जाए, लेकिन मम्मी मना कर रही है, अब कह रही है अब मुझे नहीं जाना, रहने दो अब मुझे नहीं जाना, हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। तो मैं आप लोगों से पहले भी बोला करती थी और अभी, और जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे मैं बोलती ही रहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर देखते हो मेरा वीडियो और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो देख करके मत निकला करो पतली गली से, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करके जाओ और बेल आइकन बगल में आएगा उसे ज़रूर बजा देना। क्योंकि मैं अगर वीडियो बेल आइकन दबाने से होता क्या है, मैं अगर वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ मैंने अभी वीडियो अपलोड कर दिया है और आप सबसे पहले देख सकते हो, तो इसलिए बेल आइकन को दबाना ज़रूरी होता है। और वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लो, सब्सक्राइब करोगे तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो चलिए बस यही कहना था आप लोगों से, ये फॉर्मेलिटी होती है तो इसे ज़रूर पूरा कीजिए, वैसे आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, बहुत सपोर्ट किया है और उम्मीद है कि आगे भी करेंगे। तो चलिए मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।